दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2019 की परीक्षा परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आइए देख लेते हैं एनडीटीवी इंडिया की तरफ से जो बयान आया है उसको आइए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा एप्लीकेशन मेरे पास है जिसका नाम है रिवाइज मी। इसको आप प्ले स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपना नंबर डालना है और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाना है। तो आइए लॉगिन करते हैं और देखते हैं आगे की कहानी क्या है। देखिए भाई, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर आता है। इसमें आप सर्च कर सकते हैं आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी और आरआरपी एनटीपीसी। तो मान लीजिए आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने जीके, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर सबके अलग अलग पोर्शन हैं। मान लीजिए आपको करंट अफेयर देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन। सिंगल प्लेयर खेलना है आपको या कई सारे प्लेयर के साथ आपको करना है तो इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके सामने देखिए सवाल एक के बाद एक आते रहेंगे। ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग सवालों के जवाब देकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा की तारीखों को लेकर अभी तक नहीं किया गया ऐलान। जानिए रेलवे के अधिकारियों ने क्या कहा। तो एनडीटीवी से बातचीत करते हुए रेलवे अधिकारियों का जो कहना है आइए उसको देख लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर आज की 22 तारीख आप देख सकते हैं, तो आइए इसको जान लेते हैं भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। एजेंसी को लेकर अंतिम फैसला लेने के बाद ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए परीक्षा होनी है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर कुछ इस प्रकार से है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीखों को लेकर कोई भी ऐलान सामने नहीं आ रहा है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए रेलवे अधिकारी ने यह बताया है कि फिलहाल अभी तक परीक्षा का कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है और इसको लेकर ना ही कोई अंतिम फैसला लिया गया है। पिछले साल कहा गया था कि एक बार फैसला हो जाने के बाद नई एजेंसी को परीक्षा आयोजित करने का मौका दिया जाएगा। सितंबर 2019 तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ही आधिकारिक तौर पर परीक्षा आयोजित करने की बात करी थी लेकिन संभव नहीं हो पाया। सितंबर 2019 में आरआरबी ने कहा था कि रेलवे की परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी किसी नई एजेंसी को दे सकते हैं, तो उसी को लेकर लगातार यहां पर देर हो रही है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आपकी जो परीक्षा एनटीपीसी की है वो मार्च में जा सकती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपकी बोर्ड परीक्षाएँ भी होनी है। तो ये बड़ी खबर है भाई कि आपकी परीक्षा लगभग मार्च में जाने की उम्मीद है और लगातार लेट हो रहा है। तो आगे जैसे हमें कोई सूचना मिलती है हम आपको सूचित करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।